हेलो, स्वागत है आपका हमारे चैनल एजुकेशन फॉर ऑल में। आज दिनांक 17 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के क्वेश्चन हैं आवश्यक आपके सामने लेकर प्रस्तुत हैं हम। आप हमारी वीडियोस को यदि पसंद कर रहे हैं तो हमारी चैनल को लाइक कर दिया, माफ़ कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, वीडियो को लाइक कर दिया कीजिए और शेयर कर दिया कीजिए। दोस्तों, आज दिनांक 17 मई 2020 के जितने भी करंट अफेयर्स के आवश्यक क्वेश्चन हैं आपके सामने हम प्रस्तुत करने जा रहे हैं। दोस्तों, आपको मैं फिर से बता देना चाहता हूँ, पहले भी बता चुका हूँ, कि जो क्वेश्चन अब जो हम दे रहे हैं वो आपको डायरेक्ट हम क्या है आंसर प्रोवाइड कराते हैं, जिससे क्या है आप अभी वीडियो देख लेंगे, फिर जो हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में क्विज दिया है उसको आप हल करके, उसी क्विज को हल करके आप जो है अपना एग्जाम के लिए पक्का हो सकते हैं सारे क्वेश्चनों के साथ। ठीक है दोस्तों, तो उस क्विज को जरूर हल किया कीजिए। हम पहले प्रश्न की तरफ बढ़ें। कंप्यूटर जी, पहला प्रश्न लगाएं। हाल ही में किस राज्य ने अपना 45वां स्थापना दिवस मनाया है? 16 मई को मनाया है। तो इसका उत्तर देखते हैं क्या होगा सही। दोस्तों दोस्तों सिक्किम इसका सही उत्तर है। सिक्किम, जिसकी राजधानी क्या है? गंगटोक। और यहाँ का राजकीय पशु लाल पांडा है और पक्षी लाल तीतर है तथा राजकीय वृक्ष रोडोडेंड्रोन है। दोस्तों 38वें संविधान संशोधन द्वारा 1975 में यह भारत का 22वां राज्य बन गया। और साथ ही साथ एक और बात आपको बताना चाहेंगे, यह एक पूर्ण जैविक राज्य भी है। अब मैं कंप्यूटर महोदय से आग्रह करूंगा कि अगला प्रश्न लगाएं। अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस कब मनाया गया है? तो दोस्तों बताइए कब मनाया गया है, कंप्यूटर जी बताते हैं। चलिए 16 मई। दोस्तों 16 मई को ये अंतर्राष्ट्रीय प्रकाश दिवस मनाया गया है। यूनेस्को ने 1960 में जब प्रथम बार लेजर का सफल ऑपरेशन हुआ था, और वो लेजर जो था ना उस ऑपरेशन को किसने किया था? ये थियोडोर मेमेन ने। तो उसी के बाद से इस दिवस को मनाने की घोषणा की जाने लगी थी। ठीक है दोस्तों, और यूनेस्को की फुल फॉर्म क्या है? यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, यूनाइटेड नेशंस एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस संस्थान ने पश्चिम बंगाल की प्रमुख सिंचाई परियोजना के लिए 145 मिलियन डॉलर का ऋण स्वीकृत किया है? 145 मिलियन डॉलर पश्चिम बंगाल के लिए। आइए देखते हैं क्या होगा इसका सही उत्तर। AIIB या एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक। दोस्तों ये कभी कभी ये भी आ सकता है कि ये किस नदी पे, नदी घाटी पे परियोजना चल रही, तो ये दामोदर नदी पे चल रही है, जिसे दामोदर नदी को बंगाल का सोख भी कहा जाता है, आपको पता ही होगा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मुझे अगला प्रश्न लगाएं। आदिवासी युवाओं के लिए केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने किस कार्यक्रम की शुरुआत की है? तो आइए जानते हैं, कंप्यूटर जी बताएं किस योजना की शुरुआत की है? गोल, GOAL, गोइंग ऑनलाइन एज लीडर्स की फुल फॉर्म है, और इसका काम फेसबुक जो एक कंपनी है उसके साथ मिलकर शुरू किया जा रहा है। जो सोशल मीडिया की वेबसाइट है और ऐप भी है ये उसके साथ, इसमें 5,000 से अधिक आदिवासियों को लाभान्वित किया जाएगा इस योजना के द्वारा। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ेंगे। कंप्यूटर जी लगाएं। भारतीय तटरक्षक बल ने गोवा प्रथम तटरक्षक अपतटीय अप तटीय गश्ती पोत कमीशन लॉन्च किया है, इसका क्या नाम है? तो इस कमीशन, इस पोत का क्या नाम है, आइए देखते हैं। ICGS सचेत। ठीक है दोस्तों, क्या नाम है? ICGS सचेत। अब कंप्यूटर महोदय से आग्रह करूंगा मैं कि अगले प्रश्न की तरफ बढ़ें। हाल ही में वॉब वाटसन का निधन हो गया है, वह कौन थे? तो वॉब वाटसन कौन थे, आइए जानते हैं। ये एक क्या थे, बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। तो दोस्तों हाल ही में क्या, इनका निधन हो गया है, तो ये बास्केटबॉल खिलाड़ी थे। अगले प्रश्न की तरफ बढ़े कंप्यूटर जी।
किसने वैश्विक वन संसाधन मूल्यांकन 2020 की रिपोर्ट जारी की है? तो आइए जान लेते हैं किसने ये रिपोर्ट जारी की है। खाद्य और कृषि संगठन या FAO, ठीक है ना दोस्तों, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन। इसके अध्यक्ष कौन है? चू डोंग यू। और ओरिजिन क्या है इसका, इंस्टीट्यूशन का? इकोसोक, द यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल काउंसिल। ठीक है दोस्तों, इसका मुख्यालय कहाँ है? रोम, इटली में। इसकी स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को क्यूबेक सिटी कनाडा में हुई है। ये उत्तरी अमेरिका के पास जो है उसी महाद्वीप में है, कनाडा। अच्छा, हर साल 5 दिसंबर को विश्व मृदा दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिवस को खाद्य व कृषि संगठन द्वारा मनाया जाता है। खाद्य और कृषि संबंधी समस्याओं से निपटने हेतु एक स्थायी अंतर्राष्ट्रीय निकाय की जरूरत को पहली बार खाद्य एवं कृषि पर 1943 में आयोजित संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन हॉट स्प्रिंग वर्जीनिया में स्वीकार किया गया था। चलिए कंप्यूटर महोदय, अगला प्रश्न लगाएं। हाल ही में भवानी चरण पटनायक का निधन हो गया, यह कौन थे? आइए जानते हैं दोस्तों, ये एक स्वतंत्र सेनानी थे और पूर्व राज्यसभा सांसद थे। ठीक है दोस्तों। अच्छा, ये ओडिशा प्रदेश कांग्रेस समिति के सचिव भी थे और भारत सरकार द्वारा 2018 में इन्हें पद्मश्री से सम्मानित भी किया गया था। चलिए अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न लगाइए। अनीस सुजमान का निधन हो गया है, वह किस देश से संबंधित है? तो आइए जानते हैं वह किस देश से संबंधित है। कंप्यूटर जी बताएं, बांग्लादेश। तो बांग्लादेश जो है वहां वहां के ये एक साहित्यकार थे। अच्छा दोस्तों, बांग्लादेश के बारे में खास बात किसी है, रॉयल बंगाल टाइगर वहां का राष्ट्रीय पशु है और इनका राष्ट्रीय दिवस 26 मार्च को मनाया जाता है 1971 से, क्योंकि 1900 माफ माफ कीजिएगा, 26 मार्च को मनाया जाता है। और 1971 में बांग्लादेश लिबरेशन वॉर के बाद बांग्लादेश को आज़ादी मिली थी, इसे राष्ट्रीय अवकाश भी घोषित किया जा चुका है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कंप्यूटर जी, अगला प्रश्न लगाएं। हाल ही में किसके द्वारा वैश्विक पोषण रिपोर्ट 2020 जारी की गई है? तो आइए जानते हैं किसने ये रिपोर्ट जारी की है। विश्व स्वास्थ्य संगठन या WHO, ठीक है दोस्तों, जिनेवा में इसका मुख्यालय है। आइए इसके बारे में जानते हैं कुछ। 2019 में केंद्रीय सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय और संयुक्त राष्ट्र विश्व खाद्य प्रोग्राम या कार्यक्रम के सहयोग से जारी खाद्य एवं पोषण सुरक्षा विश्लेषण भारत 2019 की रिपोर्ट में भी भारत में कुपोषण के मामले पर चिंताजनक आंकड़े जारी किए गए थे। इस रिपोर्ट के अनुसार देश में पिछड़े वर्गों से आने वाले लोगों में वृद्धि रोध के मामलों में सर्वाधिक वृद्धि अनुसूचित जाति में 43.6%, अनुसूचित जनजाति में 42.5% और अन्य पिछड़ा वर्ग के लोगों में 38.6% देखी गई थी। इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि प्रजनन योग्य आयु की 2 में से 1 महिला में एनीमिया के मामले देखे गए हैं। इसे रक्ताल्पता भी कहते हैं, जो एनीमिया बीमारी होती है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी लगाएं अगला प्रश्न। यूनाइटेड वी फाइट नामक से एक संगीत की रचना का किसके द्वारा अनावरण किया गया है? यूनाइटेड वी फाइट का, तो देखते हैं किसने किया है। कंप्यूटर जी बताएं, इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशंस या ICCR। दोस्तों, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद ICCR इसकी फुल फॉर्म है, द्वारा यूनाइटेड वी फाइट नामक एक नए गाने का अनावरण किया गया है। यह एक ऐसी संगीत प्रस्तुति है जिसमें अंग्रेजी बोल को भारतीय शास्त्रीय संगीत के नोट्स और बीट्स के साथ वसुदेव कुटुंबकम की भावना को बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया। दोस्तों, मैं वसुदेव कुटुंबकम का मतलब बता देता हूँ आपको, सारा विश्व ही मेरा परिवार है। ठीक है दोस्तों, पूरी पृथ्वी है वसुधा, उस पर जो भी है सब कुछ मेरा परिवार ही है। अब इसके बारे में जानते हैं, इसकी स्थापना किसने की थी? अबुल कलाम आजाद ने 9 अप्रैल 1950 को नई दिल्ली में इसकी स्थापना की थी तथा इसके हेडक्वार्टर्स भी नई दिल्ली में है। वर्तमान में इसके प्रेसिडेंट कौन है? विनय सहस्रबुद्धि, और डायरेक्टर जनरल या महानिदेशक अखिलेश मिश्रा हैं। ठीक है, और इसके लिए उत्तरदायी संस्था कौन सी है? भारत सरकार है, भारत सरकार इसके लिए उत्तरदायी है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 2010-20 में दुनिया के किस क्षेत्र में शुद्ध वन हानि का सबसे बड़ा वार्षिक दर है? आइए जानते हैं इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है। कंप्यूटर जी बताएं। अफ्रीका, अफ्रीकी महाद्वीप में है ये। दोस्तों अफ्रीका में शुद्ध वन हानि 2010-20 में 3.9 MHA है, जिसके बाद दक्षिण अमेरिका में 2.6 MHA है, जबकि एशिया में 2010-20 में वन क्षेत्र का सर्वाधिक शुद्ध लाभ है, इसके बाद ओशिनिया और यूरोप है। ठीक है दोस्तों, अगले प्रश्न की बढ़ते हैं। कंप्यूटर जी अगला प्रश्न लगाएं। भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों के लिए ब्याज की सब्सिडी अवधि एक्सपोर्ट ब्याज समानता योजना के तहत पूर्व और पोस्ट शिपमेंट रुपया निर्यात ऋण के लिए किस तिथि तक बढ़ा दी है? जानते हैं सही प्रश्न का उत्तर क्या है। प्रश्न का सही उत्तर मार्च 31, 2021। निर्यातकों को काफी राहत प्रदान करने के लिए भारत के केंद्रीय बैंक भारतीय रिजर्व बैंक ने निर्यातकों को माल की शिपमेंट से पहले और बाद में प्राप्त निर्यात क्रेडिट पर ब्याज सब्सिडी की अवधि 1 साल बढ़ा के 31 मार्च 2021 कर दी है, यानी ब्याज की सब्सिडी के लिए 1 साल बढ़ा दिया गया है। दोस्तों आरबीआई जो है, इसकी स्थापना 1935 में बैंकिंग विनियमन अधिनियम 1934 के तहत 5 करोड़ रुपए की शुरुआती धनराशि ईजाद की गई थी। कब की गई थी? 1935 में। स्थापना के समय आरबीआई के लगभग सभी शेयरों का स्वामित्व गैर सरकारी शेयरधारकों के हाथ में था, इसलिए कुछ लोगों के हाथों में शेयरों के केंद्रीकरण को रोकने के लिए 1949 में 1 जनवरी को भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। अब ये एक सरकारी संस्था भी कई मतलब राष्ट्रीयकृत संस्था हो गई। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। केंद्रीय बजट में फंड की घोषणा पहली बार किस समिति की सिफारिशों पर की गई थी? आइए जानते हैं। कंप्यूटर जी बताएं। उपेंद्र कुमार सिन्हा। 10,000 करोड़ रुपए कोष के साथ FOF या कोष निधि की स्थापना सरकार करेगी, जो MSMEs के लिए इक्विटी फंडिंग सहायता प्रदान करेगी। ठीक है ना, इक्विटी फंडिंग। FOF का संचालन एक माँ और कुछ बेटी धन के माध्यम से किया जाएगा। फंड संरचना से बेटी कोष के स्तर पर 50,000 करोड़ रुपए का लाभ देने में मदद मिलेगी। दोस्तों 2020 के केंद्रीय बजट में FOF की घोषणा उपेंद्र कुमार सिन्हा की समिति की सिफारिश के आधार पर पहली बार की गई है। इसके लिए 10,000 करोड़ का बजट है। ठीक है, 10,000 करोड़ का, नोट कर लीजिएगा। MSME के विकास की पूंजी में कमी की समस्या को हल करने के लिए इसकी घोषणा की गई है। इस योजना में MSME में 15% इक्विटी खरीदने का प्रस्ताव है, जिसमें उच्च क्रेडिट रेटिंग है। इस योजना को अप्रैल में वित्त मंत्रालय ने मंजूरी दी थी। कैबिनेट की मंजूरी लंबित थी, जो कि अब मिल चुकी है। ठीक है दोस्तों, अब अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। कोरोना वायरस की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का प्रयोग किया गया है, कहाँ पे किया गया है? आइए जानते हैं। बांग्लादेश। बांग्लादेश को कभी मौसमों का मैदान भी कहा जाता है, क्योंकि यह 4 नहीं 6 ऋतुएं होती हैं। वो 6 ऋतुएं स्क्रीन पर बता दी गई हैं, और इसका सबसे पुराना शहर महस्तगढ़ है। ठीक है ना, बांग्लादेश का। और यहाँ का कॉकस बाजार जो है विश्व में सबसे लंबा अटूट समुद्र तट है। ढाका यहाँ की राजधानी है, और यह सबसे बड़ा शहर भी है। इसे मस्जिदों का भी शहर कहा जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। हाल ही में किसने MIRAHD COVID-19 डैशबोर्ड तैयार किया है? आइए जानते हैं। अमृत जी बताएं। IIT गांधीनगर। दोस्तों ये गुजरात में है, और पश्चिम का गहना भी कहलाता है गुजरात, और इसकी राजधानी गांधीनगर है। गांधीनगर की गिनती एशिया में सर्वाधिक हरियाली वाली राजधानी के रूप में होती है, और 1970 में गुजरात की राजधानी गांधीनगर हो गई थी। इससे पहले अहमदाबाद थी। ठीक है दोस्तों, अच्छा, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1818 में गुजरात के शहर में सबसे पहला कदम रखा था, और सबसे पहला कारखाना सूरत में स्थापित किया था। चलिए अगले प्रश्न की तरफ हम अब बढ़ते हैं जल्दी से। कंप्यूटर जी लगाएं। हाल ही में किस राज्य की पुलिस ने कोरोना योद्धाओं के लिए थर्मल कोरोना कार्बेट हेडगियर लॉन्च किया है? आइए जानते हैं, बताएं कंप्यूटर जी। दिल्ली। एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार खरी बावली भी दिल्ली में है। एशिया का एकमात्र भाई मंदिर भी दिल्ली में है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स दिल्ली से जुड़े हुए। दिल्ली का राजकीय पक्षी गौरिया है, और 1911-12 में भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था, जब जॉर्ज पंचम ने दरबार लगाया था। ठीक है ना, उनका दरबार लगा था भारत में, तो कोलकाता थी पहले राजधानी भारत की, फिर दिल्ली हो गई। कीनिया की राजधानी नैरोबी के बाद सर्वाधिक पक्षियों की संख्या दिल्ली में है।
चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़े। कंप्यूटर जी लगाएं। किस देश के कोरोना मरीजों में कवासकी रोग के लक्षण पाए गए हैं? आइए जानते हैं। इटली। इटली की राजधानी रोम देश का सबसे बड़ा शहर भी है, और वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा शहर है वो भी इटली के अंतर्गत ही आता है। हालांकि जो वेटिकन सिटी है वो अलग एक देश है, ठीक है ना, स्वतंत्र देश है, अलग गणना होती है उसकी। अच्छा, इटली ग्रीस के बाद यूरोप का दूसरा सबसे पुराना राष्ट्र है। पुरानी सभ्यताएं जो होती हैं उनमें इटली ग्रीस के बाद यूरोप में सेकेंड नंबर पे आता है। 1861 में 17 मार्च को इसका एकीकरण हुआ था या यूनिफिकेशन, और 2 जून 1946 को रिपब्लिक यानी गणतंत्र घोषित हो गया, यानी गणराज्य बन गया। अच्छा, पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा एल्कोहल का उत्पादन या शराब का उत्पादन इटली में ही होता है, और सबसे ज़्यादा शराब की खपत अमेरिका में होती है। अमेरिका में सबसे ज़्यादा पी जाती है और इटली में सबसे ज़्यादा उत्पादन होता है। वर्ल्ड की पहली पियानो भी इटली में ही बनाई गई थी, जो पियानो वाद्य यंत्र है वो इटली में ही बनाया गया था। आइए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। किस देश के स्वास्थ्य मंत्री नेल्सन टीच ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? जानते हैं। आइए, ब्राजील। ब्राजील के स्वास्थ्य मंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, नेल्सन टीच नाम है इनका। और सुना जा रहा है कि राष्ट्रपति बोलसोनारो ने के साथ इनके साथ कुछ मतभेद हो गए होंगे अवश्य ही, तो 1 महीने पहले ही हालांकि इन्होंने स्वास्थ्य मंत्रालय संभाला था। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा देश होने का गौरव ब्राजील को हासिल है, और रियो डी जेनेरो पहले इसकी राजधानी भी थी ब्राजील की, और 1960 में इसे बदल के ब्रासिलिया कर दिया गया राजधानी को। अब रियो डी जेनेरो नहीं है, अब ब्रासिलिया है। अच्छा, ब्राजील का राष्ट्रीय पक्षी मकाओ है, जो तोते की एक प्रजाति है। अच्छा, ब्राजील में एक द्वीप मौजूद है जिसे सांपों का द्वीप भी कहते हैं, यहाँ बहुत सांप पाए जाते हैं दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए किस देश ने 18 सूत्री योजना पेश की है? आइए जानते हैं। कंप्यूटर जी बताएं। अमेरिका। अमेरिका की सरकार ने हाल ही में चीन को कोरोना वायरस प्रकोप के लिए जिम्मेदार ठहराने के लिए 18 सूत्री योजना पेश की है। विस्तारित रूप से बताया गया कि चीन ने खराब मंशा से बातों को छुपाया है और कोरोना महामारी वैश्विक स्तर पर फैलाई है। चलिए अब देखते हैं कल का प्रश्न जो हमने आपसे पूछा था, उसका सही उत्तर क्या है। 16 मई 2020 का जो प्रश्न था, मानव संसाधन विकास मंत्रालय ने सूचना और संचार प्रौद्योगिकी NMEICT में राष्ट्रीय शिक्षा मिशन के तहत कौन सा ई गवर्नेंस प्लेटफॉर्म विकसित किया है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ए समर्थ। ठीक है, बताइए किस किस ने सही उत्तर दिया था कमेंट बॉक्स में जरूर। अच्छा, 17 मई 2020 यानी आज का क्वेश्चन पूछ लेते हैं। किस देश ने 16 मई को अपना सशस्त्र सेना दिवस मनाया है? ए अमेरिका, बी जापान, सी चीन, डी इनमें से कोई नहीं। कमेंट बॉक्स में वीडियो को जरूर उत्तर बताइएगा इसका, प्रश्न का, और फिर मैच कीजिएगा अगले दिन। और दोस्तों क्विज को भी हल कीजिए जो हमने तैयार किए, ठीक है दोस्तों। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, PDF डाउनलोड करके उसको हल कीजिएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन को क्लिक कीजिए, और वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।